हमारे साथ में कॉमरेड सुरेश कुमार जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर इस दूरदर्शन के बारे में जो इसको शिफ्ट किया जा रहा है? ऐसा है, दूरदर्शन केंद्र एक इंसार के नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए, विशेषकर कृषि के सवालों को, कृषि के बारे में जो ये चर्चा करते हैं किसानी के ऊपर और आसपास के लोगों की खबरें जो हैं वो सरकार तक पहुँचाने का जो काम करते हैं वो सरकारी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये दूरदर्शन केंद्र है जो लोगों का, इसका हजारों हजार लोगों को इसका फ़ायदा है। हम ये कहना चाहते हैं CITU की ओर से कि सरकार का ये यहाँ का जो निर्णय है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, यहाँ से ट्रांसफ़र करना, ट्रांसफ़र नहीं है बल्कि इसको ये बंद के एक और ले जाएंगे, चंडीगढ़ का तो एक बहाना है। हम कहना चाहते हैं कहीं न कहीं जिस प्रकार की आज मौके पर सरकार है गठबंधन की, JJP और BJP, इन दोनों का जिस रूप में रहा है कि जो सरकारी जो जगह है या पंचायती जो जगह है वो किसी न किसी रूप में दाएं बाएं इधर उधर से करके किसी बड़ी कंपनियों को, बड़े सरमाएदार को, बड़े ऐसे इस तरह की जो बेसकीमती जो ज़मीन है और शहर के बिल्कुल ये बीच में है जिसका ये नहीं मालूम है कि ये करोड़ों की है अरबों की है, ये किसी न किसी प्राइवेट कंपनी के नाम कर देंगे या कोई और केंद्र चला लेगा यहाँ BJP का सांसद या कोई और, तो ये हमेशा इनका रहा है। तो ये ज़मीन बेचने की इनकी एक कोशिश है और ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट के जो कर्मचारी हैं वो तो अपने घर बैठ जाएंगे और बाकी पता नहीं इनको वहाँ चंडीगढ़ ले जाएंगे ना ले जाएंगे 10-20 लोग जो रेगुलर हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं देश की जनता, प्रदेश की जनता से और हिसार की जो ग्रामीण आबादी है, शहरी आबादी है, इनसे हम कहना चाहते हैं कि इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लें और जब यहाँ हिसार को बंद करने तक की बात आ जाएगी, हज़ारों लोगों का प्रदर्शन होगा, तो यहाँ का जो मंत्री हैं, दो हैं यहाँ, एक तो डिप्टी स्पीकर हैं हिसार से ही, एक यहाँ कमल गुप्ता जी जो मंत्री हैं, ये दोनों को मजबूर कर दिया जाएगा तो इनकी जिम्मेवारी है, ये अब इन्हीं की सरकार है, इसको यहाँ ये रखवाएं, इन कर्मचारियों को भी यहीं रहने दें, इस जगह को भी रहने दें, बल्कि इसका और विस्तार करना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं जो कम दिखाया जा रहा है कार्यक्रम, और ज़्यादा लोगों को दिखाया जाना चाहिए कार्यक्रम।